तो दोस्तों बिहार में एक नई भर्ती लाया जा रहा है, जहां पर आप सभी के लिए 6,297 पद के लिए बहाली किया जाएगा। तो इसी से रिलेटेड सारी बातें बताने आ चुका हूँ, जहां पे आप देख सकते हैं कि जो आपका पद होगी वेरियस पोस्ट के लिए आपका लाया जा रहा है, और इस फॉर्म को आप 31 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपको इस वेबसाइट से अप्लाई करना होगा। और इसका योग्यता सिंपल सा, अगर आप सिंपल सा 10th पास किए हैं तो अप्लाई से इसकी योग्यता सिंपल से, अगर आप 10th पास किए हुए तो अप्लाई कर सकते हैं, और सैलरी होगी आपको 35,000। इसी से रिलेटेड सारी बातें बताने आ चुका हूँ, तो टाइम लेते हुए चलिए शुरू करता हूँ। और हाँ, तो बताओ तो आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट बात है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा कि ये फॉर्म फिल करना सही होगा कि नहीं होगा, ठीक है, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को आप अप्लाई कीजिएगा। तो इसी से रिलेटेड सारी बात को डिटेल से बताने आ चुका हूँ, तो टाइम लेते हुए चलिए शुरू करता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त अगाधनराज, और स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉइड पाठशाला में। तो दोस्तों देख सकते हैं एक नोटिस जारी किया गया है, तो मैं बताता हूँ ये नोटिस है किसी प्रकार का ऑफिशियल तो मुझे नहीं दिखी है, ये मुझे पेपर का कटिंग और जो पैम्पलेट होती है, जो मार्केट में आप जब आप रोड में विजिट करते हैं तो रोड में आपको पैम्पलेट लोग बांटते दिखते हैं, उसमें हमको ये पैम्पलेट मिली थी। उसके बाद कुछ स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया, तो यहाँ से मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको वीडियो बनाकर बता रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपका जो लाया गया है सही कि गलत है। अगर सही है तो प्लीज आप कृपया करके फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, अगर ये फेक है सही नहीं है तो आप फॉर्म को अप्लाई मत कीजिएगा। इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना होगा, जहाँ पे मैं सारी बातें को क्लियर करूंगा। दोस्तों देख सकते हैं ये जो बहाली लाया गया अच्छा खासा अमाउंट है, जहाँ पे देखते हैं पद की संख्या आपका 6,297, यानी कि लगभग बोल सकते हैं 6,500 की पद है। इसीलिए मैं आपको इन्फॉर्म करने आ गया हूँ कि आप फॉर्म को अप्लाई करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले इस फॉर्म के बारे में पूरी तरह से बात को जान ले जरूर, ठीक है। और इसी बीच दोस्तों मैं बताता हूँ कि मैं अपने चैनल में बिहार में आने वाली जो भी भर्ती होती है, चाहे वो आपका BR SSC के तहत बहाली किया जाता है, चाहे आपका कांस्टेबल के लिए, चाहे तो आप टीचर के लिए, तो जो भी बहाली जो भी नोटिफिकेशन आती है, वेकेंसी आती है, सभी को मैं अपने चैनल में अप टू डेट करते रहता हूँ। अगर आप चाहते हैं ये सारा वैकेंसी से अपडेट रहना तो प्लीज मेरे चैनल से बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। और इसी बीच अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों शेयर भी कर देना। तो चलिए दोस्तों आते हैं आगे, देख सकते हैं आपको ये बहाली कहाँ का है, तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको 8 मार्च को अपडेट किया गया है, इसका जो लास्ट डेट है आपका कब तक है, तो 31 मार्च तक आपको फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट है। और जो आपको वेबसाइट दोस्तों देखते हैं ये रहा, इसी वेबसाइट से आपको फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, ठीक है, जहाँ पे www.adews.in का नाम से वेबसाइट बनाया गया है। यहाँ पर आपको साफ बताया जा रहा है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा, और यहाँ पर कहीं भी आपको ये नहीं मेंशन किया गया है कि आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते हैं तो OBC SC ST या जेंडर का कितना कितना फी लगने वाला है, यहाँ पर ऐसा कोई भी मेंशन नहीं कर रहा है। तो मैं बताता हूँ कि आप जो भी कैटेगरी हो, SC ST OBC जेंडर जो भी हो, अगर आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं इस वेबसाइट के थ्रू आपको फॉर्म अप्लाई होगी। हाँ बिल्कुल इस बात सही है, आपको फॉर्म अप्लाई आसानी से होगी, जहाँ पे आपको 450 रुपया या तो 400 रुपया आपके अकाउंट से कटेगा। उसके बाद आगे क्या प्रोसेस होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले मैं बताता हूँ ये वैकेंसी के बारे में टोटल डिटेल से, जहाँ पर नीचे आते हैं देखते हैं यहाँ पर आपको टोटल पद का नाम बताया गया है, उसका न्यूनतम योग्यता बताया गया, उसका आयु सीमा बताया गया, उसका वेतन बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी को वन बाई वन करके जान लेता हूँ। जहाँ पे देख सकते हैं पहला आपका शाखा प्रबंधक के लिए स्नातक सिंपल पास होना चाहिए, 18 से 42 साल होना चाहिए, यहाँ पर आपको 30,000 का सैलरी दिया जाएगा। उसके बाद क्षेत्र प्रबंधक के लिए स्नातक होना चाहिए 18 से 42, और यहाँ पे आपको 28,000 सैलरी दिया जाएगा। प्रवेक्षक के लिए आपका यहाँ पर इंटर पास होना चाहिए सिंपल सा, और आपको 23,000 सैलरी दिया जाएगा। CNF वितरक प्रभारी के लिए इंटर पास होना चाहिए, जहाँ पे आपका 20,000 का सैलरी होगी। भंडार रक्षक के लिए आपका इंटर पास होना चाहिए सिंपल सा, आपका 18,000 सैलरी दिया जाएगा। उसके बाद स्वागती केवल महिलाओं के लिए मैट्रिक पास होना चाहिए, जहाँ पे आपको 12,000 सैलरी होगी। उसके बाद विपणन कार्यकारी के लिए जहाँ पे मैट्रिक पास होना चाहिए और 18,000 सैलरी होगी। और कार्यालय कर्मचारी के लिए मैट्रिक पास और आपको 10,000 सैलरी होगी। उसके बाद आपका एप्लीकेशन डेवलपर के लिए आपका BCA होना चाहिए, और आपको यहाँ पर आपको सैलरी होगी 25,000 सैलरी होगी। और ड्राइवर चालक के लिए 8वीं पास होना चाहिए, जहाँ पे 12,000 सैलरी होगी। और आदेश पाल के लिए 8वीं पास होना चाहिए, और यहाँ पे 9,500 की सैलरी होगी। और लास्ट हो गया लोडर यानी कि पलदार के लिए आपका सिंपल से स्वास्थ्य या हष्ट पुष्ट होना चाहिए, आपको कोई भी योग्यता नहीं बताया जा रहा है, आपका यहाँ पे 10,000 सैलरी मिलेगी। तो ये था टोटल जो वैकेंसी था, उस वैकेंसी से रिलेटेड सारी बातों को मैं बता चुका हूँ, कितना कितना सैलरी, कितना कितना उम्र और क्या क्या योग्यता है, ठीक है। और तो नीचे आते हैं, जैसे तो यहाँ पर आपका जो शाखा कार्यालय का जो एड्रेस है, यहाँ पे पूरी तरह से डिटेल से दिया गया है। शाखा कार्यालय जो आपका बताया जा रहा है एड्रेस है पुंदान नियर हनुमान मंदिर, नियर हनुमान मंदिर के दिखा रहा है।
जो आपको दिखा रहा है रांची, आपका एड्रेस का जो पिन कोड ये दिया हुआ है, और प्रधान कार्यालय का आपका पूरा डिटेल्स दिया गया है, ये रहा पूरा डिटेल्स, यहाँ पर मुजफ्फरपुर और रांची दो दो एड्रेस दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद अधिकतम जानकारी के लिए आपको ये कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया, इस कॉन्टेक्ट नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। दोस्तों ये थी जहाँ पे मैं सारी बातों को वैकेंसी से रिलेटेड सारी बातों को डिटेल से बताता हूँ। अब बात रहा है कि इस फॉर्म को आपको अप्लाई करना सही होगा कि नहीं होगा। दोस्तों मैं बताता हूँ कि इस फॉर्म को अप्लाई करना आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। हाँ दोस्तों यार बिल्कुल सही है, 95% इस तरह का जो भी भर्ती होती है, वैकेंसी होती है, वो पूरी तरह से फेक होती है। आपको मैं बताया हूँ कि यहाँ पर आपका नंबर दिया गया है, आप सबसे पहले इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा, ठीक है। कॉन्टेक्ट कीजिएगा तो पहली बात तो है कि फोन कॉल लगेगी नहीं, अगर लगती है तो उठाएगा नहीं, अगर उठाता है तो आपको बात को घुमाया जाएगा, आप जो बात पूछेंगे उस बात को दबाकर घुमाया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि फॉर्म को अप्लाई कीजिए, फॉर्म को अप्लाई कीजिए, बार बार आपको प्रेशर दिया जाएगा फॉर्म को अप्लाई कीजिए, फिर उसके बाद बताया जाएगा कि हाँ फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, तो आपको ये साक्षात्कार के लिए, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जहां पर आपको डायरेक्ट नौकरी मिलेगी, जहां पर आपको इंटरव्यू दीजिएगा, इंटरव्यू भी आप पास हो जाइएगा, इंटरव्यू पास होने के बाद आपसे 40,000, 50,000, 60,000, 10,000, 20,000 जो भी आपको डिमांड किया जाएगा आपको ये ज्वाइनिंग के लिए। तो देख सकते हैं ये है जो पूरा से फेक है, यहाँ पर जो आपका एड्रेस दिया गया है दोस्तों, ये एड्रेस भी पूरा से फेक है, क्योंकि कुछ दिन पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था इस तरह का फेक भर्ती का, जहाँ पर भी आपका एड्रेस दिया गया था, उस एड्रेस में आपका ये नियर हनुमान मंदिर आपको दिया गया था, जिसको दिखाता हूँ आप देखते, यहाँ पर भी उस एड्रेस का भी यहाँ पर दिया गया है नियर हनुमान मंदिर। तो इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी गिरोह लोग हैं सभी लोग एक वेबसाइट बना लेते हैं फेक वेबसाइट, और यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया जो अलग अलग कॉन्टेक्ट नंबर पे है, तो ये पूरी तरह से आपको फेक है, 95% ये फेक होती है। और मैं बताता हूँ कि अगर आप फॉर्म अप्लाई करने जाते हैं तो फॉर्म आप अप्लाई कीजिएगा इस वेबसाइट के थ्रू, तो कभी कभी वेबसाइट ओपन नहीं होती है, क्योंकि इसमें स्पैम के तहत इस वेबसाइट का लिंक में कुछ कुछ लोग इंक्वायरी कर लेते हैं, तो इस कारण कभी कभी वेबसाइट ओपन नहीं होती है, कभी कभी वेबसाइट ओपन हो जाती है, और जब ओपन होती है तो आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, तो आपका जो फी है फॉर्म फिल करने का 400 रुपया डायरेक्ट आपको कट जाएगा, तो फिर आगे का प्रोसेस वहीं स्टॉप हो जाएगा। बस मतलब क्या होता है, इन लोगों का जो वेबसाइट बनाया गया है, इन लोगों का जो डिजाइनिंग किया हुआ है, वहां पर इसलिए आप पेमेंट कीजिएगा, उसके बाद का आगे का प्रोसेस होता ही नहीं है, ये पूरी तरह से फेक वेबसाइट होती है, फेक आपका नोटिस होता है। बिहार सरकार की तरफ से भी आईटी सेल के जो भी डिपार्टमेंट है इन पे कार्रवाई कर रहे हैं, इस तरह का जो वेबसाइट होते हैं उन पर निगरानी किए हुए हैं। कल ही की परसों का पेपर में अपडेट किया गया था कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब दिलाने के चक्कर में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जहां से 60-70 हजार वसूला किया गया था विद्यार्थियों से। तो इस तरह का जो भी वेबसाइट आता है और उस पर आप विश्वास मत कीजिएगा, ये पूरी तरह से फेक होती है, फर्जी होती है, आप सभी लोग से ठगा जाता है। दोस्तों बस यही वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद था। तो दोस्तों ये सारा इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ आपको मेरे चैनल के थ्रू मिलेगा, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, आज आप लाइक करो या ना लाइक करो, लेकिन जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करना, ताकि उन सभी तक ये न्यूज मिले कि बिहार में बहाली आजकल जो लाया जा रहा है वो बहुत अधिक मात्रा में फेक लाया जा रहा है। दोस्तों वीडियो तक नहीं, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।